वेलकम टू द चैनल आरवी फंटा से 7th इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीए लीग का जो मैच होने वाला है ब्रुकलिन नेट्स वर्सेस लॉस एंजेलिस क्लिपर्स के बीच में। ब्रुकलिन नेट्स जो है यहाँ पर पॉइंट टेबल पर सेकंड पोजीशन पर है और 6th पोजीशन पर है लॉस एंजेलिस क्लिपर्स। लेकिन रिसेंटली 3 मैचेस की अगर बात करूँ तो रिसेंटली 3 में से यहाँ पर 2 मैच यहाँ पर ब्रुकलिन नेट्स विन के साथ आ रही और वही रिसेंटली 3 में से 1 ही मैच यहाँ पर लॉस एंजेलिस क्लिपर्स ने विन किया है। लेकिन ये जो रिसेंटली 3 मैचेस हुए इन 3 मैचेस में ये दोनों टीम यहाँ पर एक हेड टू हेड मैच खेल चुकी है अभी यहाँ पर रिसेंटली, और वो मैच जो था तो हाई पॉइंट के मार्जिन से यहाँ पर ब्रुकलिन नेट्स ने विन किया था। तो लॉस एंजेलिस क्लिपर्स की तरफ से उनके स्टार प्लेयर खेलने रहे कुछ यहाँ पर जो मैच विनिंग प्लेयर है वो फिलहाल यहाँ पर आउट है। तो ब्रुकलिन नेट्स प्रोबेबली आज के मैच में यहाँ पर स्ट्रांग टीम है और प्रोबेबली आज का मैच यहाँ पर इजिली विन करवा सकती है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगी कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर। सबसे पहले लॉस एंजेलिस क्लिपर्स, तो क्लिपर्स की तरफ से बहुत सारे प्लेयर इंजरी के चलते आउट है और इंजरी से ज़्यादा भी यहाँ पर प्लेयर जो आउट है तो वो है यहाँ पर कोविड-19 की वजह से, जिसमें से इनके जो सेंटर के स्टार प्लेयर है जुबैक ये हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल में इंटर कर चुके हैं। अगर यहाँ पर सुबह तक यहाँ पर इनके बारे में क्लियर आ जाता तो फिर यहाँ पर ये खेलेंगे, अगर यहाँ पर नहीं खेलते तो हार्टनेस ऑलरेडी कोविड-19 पॉजिटिव यहाँ पर फाउंड हो चुके हैं, तो उनके जगह पर यहाँ पर आपको एबेकस स्टार्ट करते दिखेंगे अगर यहाँ पर जुबैक नहीं खेलते। वैसे लास्ट मैच में भी एबेकस ने स्टार्ट किया था, प्रोबेबली आज के मैच में भी स्टार्ट करेंगे। मॉरिस लास्ट मैच बेस्ट गया, टेरेंस मना इनके लिए काफ़ी बढ़िया पर रिसेंटली मैचेस रहे। लुक केनर शूटिंग गार्ड पोजिशन से खेलेंगे और पॉइंट गार्ड पोजिशन से खेलेंगे रिकी जैक्सन के क्रेडिट बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज़ की। अगर यहाँ पर रिकी जैक्सन 30+ यहाँ पर ड्रीम इलेवन पॉइंट देते तो फिर हमारा ड्रीम इलेवन में थोड़े से यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। अगर यहाँ पर इससे कम पॉइंट देते तो फिर यहाँ पर इतने क्रेडिट में हम इनसे कहीं ज़्यादा बेटर प्लेयर ले सकते हो। तो रिकी जैक्सन को मैं रिकमेंडेड करूँगा जीएल के लिए। फिलहाल यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए क्रेडिट इशू हो सकता है तो शायद आपको इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। लुक केनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शूटिंग गार्ड पोजिशन से खेलेंगे, फील्ड गोल से काफ़ी ज़्यादा शॉट्स अटेम्प्ट करेंगे। टेरेंस मना की अगर यहाँ पर बात करूँ तो रिसेंटली 8 मैच से यहाँ पर एज अ स्टार्टर खेल रहे और 8 में से यहाँ पर 7 मैच में यहाँ पर डबल डिजिट स्कोर इन्होंने किया है, तो देख लेना कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और खास कर इनका जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो है ऑफेंसिव रिबाउंड, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते और हर एक मैच में यहाँ पर इनका एक 3.1 3 पॉइंटर इनका यहाँ पर एवरेज है जब से यहाँ पर ये स्टार्ट करें। मॉरिस ऑफेंसिवली प्लेयर है, लास्ट मैच इनका काफ़ी बढ़िया गया तो थोड़े से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एबेकस स्टार्ट किया था लेकिन टाइम इतना बेस्ट इनको मिला नहीं और आज के मैच में भी वैसे भी इतना इजी इनके सामने होने वाला नहीं है क्योंकि अपोनेंट टीम का फ्रंट कोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि यहाँ पर फ्रंट कोर्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लॉक आते क्लिकस्टोन, जो कि यहाँ पर इतने ईजिली यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर अफर्ड करते नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लिकस्टोन का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो ब्लॉक से बहुत ज़्यादा पॉइंट देते। बाकी क्लिपर्स की तरफ से क्या कुछ रहा था लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, लुक केनर को सबसे बेस्ट टाइम मिला था, परफॉर्मेंस ठीक ठाक आप ऐसे कह सकते हो और इतने क्रेडिट में मुझे लगता है बेस्ट। मॉरिस का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया था इस टीम की तरफ से लेकिन यहाँ पर थ्रेस मना देख लेना 18 पॉइंट 11 रिबाउंड और 1 असिस्ट इस बंदे की तरफ से आया था और जो यहाँ पर ये रिबाउंड कलेक्ट करते उसमें से ज़्यादा करते इनके यहाँ पर ऑफेंसिव रिबाउंड होते। वैसे भी यहाँ पर इन्होंने 4 3-pointer ट्राई किए थे जिसमें से 2 इनके कनेक्ट हो गए थे। रिकी जैक्सन 15 क्रेडिट के प्लेयर है लेकिन उस लेवल का परफॉर्मेंस आया नहीं, उनसे बेटर परफॉर्मेंस जो क्रेडिट से हो रहे मॉरिस टेरेस मना और लुक केनर इनसे यहाँ पर आया था। बाकी यहाँ पर एबेकस स्टार्ट तो किया था ठीक ठाक आप इसे कह सकते हो लेकिन उतना बेस्ट भी नहीं, 7.7 rebound 2 assist 2 block। अगर यहाँ पर टाइम मिला तो फिर यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर यहाँ पर टाइम नहीं मिलता तो फिर यहाँ पर इनसे बेटर पिक हमको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा और आज का मैच भी वैसे यहाँ पर इनके लिए ईजी होने वाला नहीं है तो थोड़ा सा रिस्क लेकर आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग मॉरिस इंपॉर्टेंट है, टेरेस मना और इंपॉर्टेंट है लुक केनर, ये तीनों प्लेयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अभी इस टीम की तरफ से बैन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बैन से भी बहुत कम प्लेयर इनके पास अवेलेबल है तो जितने भी स्टार्ट करेंगे उतने को बेस्ट टाइम मिलेगा एक्सपेक्ट एबेकस। यहाँ पर मुझे लगता है ये थोड़ा सा कम टाइम आपको खेलते देखेंगे क्योंकि उनकी जगह पर यहाँ पर बैकअप सेंटर इनके पास विंस्लो अवेलेबल है, काफ़ी बैकअप फॉरवर्ड से अवेलेबल है और सबसे बेस्ट टाइम वैसे भी यही यहाँ पर बैन से खेल कर आए थे और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर इनका ही आया था।
बाकी यहाँ पर जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रहा था वो कॉफी का देख सकते हो, टाइम बेस्ट मिला, परफॉर्मेंस बेस्ट आया, विंस लो का भी टाइम अच्छा खासा मिला था और परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा आया था। ब्लेडसन इस टीम की तरफ से सबसे बेस्ट बेंच प्लेयर है और जॉनसन को भी यहाँ पर शूटिंग गार्ड पोजिशन से टाइम मिला था। तो ये कुछ प्लेयर है जिन्हें यहाँ पर टाइम दिया जा सकता है, जहाँ पर ब्लेडसन जो कि सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर खेल कर आ रहे गार्ड पोजिशन से और जॉनसन को टाइम मिला था। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ से बात करूँ तो काफ़ी सबसे बेस्ट टाइम खेले थे, तो काफ़ी एक क्रेडिट से और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लास्ट मैच में सबसे बेस्ट टाइम खेल कर आ रहे, तो थोड़ा सा रिस्क लेकर आप इन्हें पिक कर सकते हो। अभी लास्ट मैच में यहाँ पर जॉनसन को इन्होंने टाइम दिया है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इनके तरफ से जो बोस्टन इनके बेंच प्लेयर थे वो फिलहाल यहाँ पर आउट है, तो उनकी जगह पर यहाँ पर जॉनसन को टाइम दिया गया था। तो जॉनसन जेल के लिए पिक, बाकी यहाँ पर विंस्लो इनको भी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में अच्छा खासा टाइम इनको मिला है और काफ़ी आपके लिए एक पन पिक है। और ब्लेडसन अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप इनके साथ जा सकते हो। बाकी सेकंड मैच में एज अ स्टार्टर खेले थे और जो हेड टू हेड मैच का परफॉर्मेंस रहा था इस टीम के अगेंस्ट, वहाँ पर ब्लेडसन ने यहाँ पर एज अ स्टार्टर करते हुए 15.2 रिबाउंड 6 असिस्ट इनके तरफ से आए थे। मॉरिस की तरफ से बेस्ट आया था और ठीक ठाक आया था, टेरेस मारा, लेकिन रुक के नार की भी तरफ से एवरेज आया था। जुबैक यहाँ पर खेल रहे थे एज अ स्टार्टर, लेकिन उनके तरफ से भी इतना बेस्ट आया नहीं था। तो जितने भी यहाँ पर स्टार्टर थे टोटली यहाँ पर सभी फ्लॉप हो गए थे और सबको यहाँ पर टाइम देख लेना, बिलो दैन यहाँ पर 30 मिनट मिला था। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि लास्ट मैच यहाँ पर ब्रुकलिन ने बहुत हाई पॉइंट के मार्जिन से यहाँ पर विन किया था इसी टीम के अगेंस्ट और ज़्यादा दिन हुए नहीं। यहाँ पर क्लिपर जो थे यहाँ पर अपने यहाँ पर थर्ड मैच यहाँ पर खेली, जो आज का मैच खेलने वाला है इसके पहले यहाँ पर सेकंड लास्ट मैच। तो क्लिपर्स इस मैच में थोड़े से यहाँ पर वीक टीम है और जो यहाँ पर हेड टू हेड मैचेस का परफॉर्मेंस आया ये शायद आपके यहाँ पर जीएल में काम आ सकता है। यहाँ पर जो फ्लॉप परफॉर्मेंस आया था वो आया था मना की तरफ से और उतने बेस्ट यहाँ पर रहे नहीं थे वैसे भी लुक कैनर। तो इन दोनों प्लेयर को शायद दोनों में से एक को यहाँ पर या फिर दोनों को यहाँ पर आप जीएल में ड्रॉप कर कर चले जा सकते हो। अगर ऐसे बात करेंगे कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आप इसे कह सकते हो, 8.4 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 ब्लॉक और 1 स्टील, और यहाँ पर भी खेले थे बैन से और बैन से कॉफ़ी आज के मैच में इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि यहाँ पर ब्रुकलिंस का जो स्टार्टिंग लाइनअप है फ्रंट कोर्ट का वो यहाँ पर अल्देरिगा और क्लिकस्टोन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लॉक यहाँ पर ये कर कर आ रहे हैं फिलहाल यहाँ पर इस टीम के अगेंस्ट। अच्छा खासा यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस रहा था और जो लास्ट मैच यहाँ पर खेले थे क्लिकस्टोन, तो क्लिकस्टोन ने यहाँ पर 3 ब्लॉक किए थे, तो क्लिकस्टोन ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था क्लिपर्स को। तो वैसे भी यहाँ पर क्लिकस्टोन का डिफेंस काफ़ी बेटर है, तो ये दोनों यहाँ पर इनके डिफेंस वाले प्लेयर है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको देते हुए दिखेंगे स्टील और ब्लॉक से, खास कर ब्लॉक से। ड्यूरांट रिसेंटली मैचेस खेल रहे, जेम्स हार्डन यहाँ पर खेले थे, विलियम्स लास्ट मैच कुछ खास नहीं रहा था, फील्ड गोल से टोटली शॉट से यहाँ पर इन्होंने मिस किए थे, 10 यहाँ पर इन्होंने शॉट ट्राई किए थे जिसमें से यहाँ पर 2 ही इनके कनेक्ट हो गए थे। जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रहा था ब्रुकलिंस की तरफ से हार्डन का बेस्ट आया था, बेस्ट आया था ड्यूरांट का, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल एसपीवीपी होने वाले। मिल्स इतने कुछ खास नहीं रहे थे, 10 इन्होंने फील्ड गोल से शॉट्स अटेम्प्ट किए थे, 2 ही इनके कनेक्ट हो पाए थे, लेकिन क्रिकस्टोन हर मैचेस में यहाँ पर ब्लॉक देकर आ रहे। जो लास्ट मैच खेले थे वहाँ पर भी 3 ब्लॉक और उससे पहले जो मैच खेले थे वहाँ पर भी 5 ब्लॉक, तो क्रिकस्टोन इंपॉर्टेंट है खास कर डिफेंसिवली यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस रिसेंटली मैचेस में देकर आ रहे। अल्देरी का टाइम इनको कम मिलता है लेकिन उतने टाइम में यहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर ये देकर जाते हैं। और ये जो प्लेयर का यहाँ पर एवरेज है फिलहाल यहाँ पर जो एनबीए सीजन चल रहा है 14 पॉइंट पर गेम इनका एवरेज है, तो थोड़े से यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी यहाँ पर लास्ट मैच इतना टाइम खेले नहीं थे लेकिन कम टाइम में ज़्यादा प्लेयर पॉइंट आपको ये प्लेयर देकर जा रहा है। बाकी स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बात करो, इंपॉर्टेंट है ड्यूरांट, इंपॉर्टेंट है हार्डन और इंपॉर्टेंट है क्लिकस्टोन। ये जो प्लेयर होने वाले ये ऑलमोस्ट 100% आप उनके पास होने वाले। अलेरेगा एक पॉइंट पिक आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर मे बी मैं इनको यहाँ पर पिक करवा लूंगा। और मिल्स इनको यहाँ पर जेल में ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की पिक है क्योंकि यहाँ पर इनसे बेटर परफॉर्मेंस रिसेंटली मैचेस में अदर प्लेयर देकर आ रहे। और वैसे भी ड्यूरांट और जेम्स हार्डन दोनों का कॉम्बिनेशन खेल रहा, तो मिल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं जितना इंपॉर्टेंस इनको यहाँ पर इनसे पहले मैचेस में था। बाकी इस टीम की तरफ से अगर बैंच स्ट्रेंथ की तरफ बात करूँ तो ब्राउन इनके सबसे बेस्ट बैंच प्लेयर है फिलहाल यहाँ पर। लास्ट मैच यहाँ पर ये इतना बेस्ट कर नहीं पाए थे लेकिन उससे पहले मैचेस में यहाँ पर ब्राउन ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, तो ब्राउन का यहाँ पर आप पिक कर सकते हो। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 4.1 रिबाउंड 1 ब्लॉक इनकी तरफ से आया था, जॉन्स की तरफ से ठीक ठाक आया था। डेमरी जो कि यहाँ पर एज अ स्टार्टर खेल रहे थे रिसेंटली मैचेस में, लेकिन यहाँ पर अल्डेरिगा और क्लिकस्टोन दोनों के आने की वजह से यहाँ पर ये खेल रहे हैं एज अ बेंच प्लेयर। बाकी यहाँ पर ग्रिफलिन और थॉमस इनके तरफ से सभी बेंच प्लेयर अवेलेबल है ऑलमोस्ट, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर
बहुत सारे प्लेयर को टाइम दिया जा सकता है, इनसे बेटर है आपको अगर यहाँ पर बेंच प्लेयर पिक करना है तो वो क्लिपर्स की तरफ से आप पिक कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर इरविंग यही यहाँ पर एक प्लेयर आउट है, जो यहाँ पर ये दो प्लेयर आउट है, हैरिस और इरविंग, ये फिलहाल दोनों खेलने रहे। अदर जो प्लेयर है तो सभी इनके तरफ से यहाँ पर अवेलेबल है। मैच वन साइडेड होगा तो या फिर ब्रुकलिंस की तरफ से बेंच प्लेयर पर आप ध्यान दे सकते हो, उनको अच्छा खासा टाइम मिल सकता है। अभी यहाँ पर बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम, जहाँ से जेम्स हार्डन और ड्यूरांट जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल एसपी पीपी होने वाले हैं, तो ये मुझे लगता है सबके पास होने वाले हैं। बाकी फॉरवर्ड पोजीशन की बात करो तो मॉरिस का बेस्ट आया था, वैसे यहाँ पर बेस्ट आया था लुक केनार्ड का भी, और ब्लेडसन को यहाँ पर आप पिक कर सकते हो एज अ बैंक प्लेयर खेलेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं ब्लेडसन या फिर क्रिस्टो अल्डरीगा, इन दोनों में से किसी को यहाँ पर आपको पिक करना पड़ेगा। क्रिस्टो ने कैसे पिक है कि जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी के पास होने वाला है। कॉफी के यहाँ पर मैं पिक करूंगा, क्लिपर्स की तरफ से एज अ बैंक प्लेयर खेले थे, लास्ट मैच भी बेस्ट रहा था हेड टू हेड मैच भी, तो रिसेंटली मैच काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पर मैं इनको पिक करने वाला हूँ। अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर देकर आ रहे, बैन से खेलते इवन, लेकिन पॉइंट बेस्ट देकर आ रहे। अभी बचते हैं दो प्लेयर में यहाँ पर टेरेस माना का लास्ट मैच का बेस्ट है। वैसे भी यहाँ पर स्टार्ट करते हुए लास्ट के 8 में से 7 मैच में इन्होंने डबल फिगर में स्कोर बनाया है, और हेड टू हेड मैच इनका यहाँ पर फ्लॉप है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेकर आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो। और अदर यहाँ पर प्लेयर पिक जो है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है अल्देरिका, या फिर आप यहाँ पर पिक कर सकते हो पॉइंट गार्ड पोजीशन पर ब्लेडसन, जो कि यहाँ पर ब्लेडसन का सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप चाहो तो ब्लेडसन के साथ जा सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं चला जाऊँगा अल्डेरिका, जो कि इस एनबीए लीग में यहाँ पर 14 पॉइंट पर गेम का इनका एवरेज है, तो काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक है। और अभी यहाँ पर मैं जो यहाँ पर अपना जो 8th प्लेयर है वो यहाँ पर आपको फाइनल, यहाँ पर जो टीम आएंगी वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल पर आपको 8th प्लेयर दूंगा नहीं, और वो 8th प्लेयर होगा मेरा यहाँ पर मना मना को पिक करने वाला हूँ। मना क्यों क्यों नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख लेना मना का फिलहाल यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ सेलेक्शन परसेंटेज बहुत कम, लेकिन रिसेंटली मैचेस काफ़ी इनके लिए बढ़िया रहे, तो यहाँ पर मैं मना को अपने टीम में पिक करने वाला हूँ। मना की जगह पर आपको अपोनर जो है तो शायद यहाँ पर ब्लेडसंग के साथ आ सकते हो, तो आप चाहो तो ब्लेडसंग को भी पिक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं मना के साथ जाऊँगा, और ये 8th प्लेयर जो होगा तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा नहीं, ये चॉइस मैं आपके ऊपर रखूंगा, टेरेस मना या फिर ब्लेडसन, दोनों में से किसी का यहाँ पर आप पिक कर सकते हो, लेकिन मैं किसे पिक करने वाला हूँ, मैं पिक करने वाला हूँ मना को। अगर आप यहाँ पर चाहो तो ब्लेडसन के साथ जा सकते हो, तो 8th प्लेयर मेरा रहने वाला मना, ये मैं आपको फाइनली यहाँ पर जो टेलीग्राम पर टीम दूंगा, यहाँ पर ये प्लेयर मैं आपको दूंगा नहीं, ये आपके ऊपर चॉइस रहेंगी। बाकी जेम्स हार्डन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आता है, इसलिए यहाँ पर एसपी के लिए सेफ पिक है, और कैली ड्यूरांट जो कि यहाँ पर पीपी के लिए थोड़े से यहाँ पर सेफ पिक है। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो एसपी पीपी रोटेट कर सकते हो, दोनों भी बेस्ट लेवल के प्लेयर है, लेकिन जेम्स हार्डन रिसेंटली मैचेस में इन्होंने रिबाउंड प्लस असिस्ट और उसी के साथ साथ पॉइंट, तो तीनों सेक्शन से परफॉर्मेंस आता है। कैली ड्यूरांट जो होता है यहाँ पर पॉइंट से अच्छे खासे पॉइंट देंगे, स्टील और ब्लॉक आए तो यहाँ पर जेम्स हार्डन से ज़्यादा पॉइंट दे पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर जेम्स हार्डन जो थे यहाँ पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आता है, तो ब्लॉक तो इनके तरफ से इतने आते नहीं, लेकिन स्टील और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये असिस्ट अच्छे खासे करते हैं, बॉल हैंडलिंग का काम संभालते हैं, और रिबाउंड, तो ये एसपीपीपी फिलहाल यहाँ पर सेफ है, लेकिन रिस्क लेना पसंद है तो यहाँ पर आप एसपीपीपी रोटेट कर सकते हो। तो ये टीम सेव करके रखना, जो भी टीम चेंजेस होंगे फाइनल चेंजेस के साथ फाइनल टीम आ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, विदाउट 8th प्लेयर, 8th प्लेयर मेरा कौन सा होने वाला है, टेरेस मना। तो होप गाइज वीडियो पसंद आएगा, उसके साथ साथ अपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा, तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।